यह क्वेश्चन टू और थ्री मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो रिजल्ट है वो वन मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो सकता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर प्रूव दैट द रेश ऑफ कार्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द रेश ऑफ कारस्पोंडिंग एंगल बायसेक्टर्स इसी की दूसरी लैंग्वेज भी है प्रूव दैट रेश ऑफ एंगल बायसेक्टर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेश ऑफ देयर कॉरस्पोंडिंग साइड्स इस क्वेश्चन में ए बी सी ट्राएंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर है ए डी और पी एम एंगल बाइसेक्टर्स हैं यानी कि लाइन सेगमेंट ए डी एंगल ए को बायसेक कर रहा है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं इसी तरह से लाइन सेगमेंट पी एम एंगल पी को बायसेक कर रहा है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं सो ए डी और पी एम इस बार एंगल बायसेकटर्स हैं सो हमें गिवन है ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है और ए डी पी एम आर एंगल बाय हमें प्रूव करना है साइड्स की रेशियो एंगल बाय सेक्टर्स की रेशियो के इक्वल है ये साइड्स की रेशियो है और ये एंगल बाय सेक्टर्स की रेशियो अब हमें प्रूव करना है इसे अगर हमें ये प्रूव करना है कि साइड्स की रेशियो एंगल बाइसे्टर यानी ए डी और पी एम के इक्वल है तो हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने होंगे ये ट्राइंगल बहुत ईजिली सिमिलर हो जाएंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल सिमिलर है इसी तरह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी वो भी इसीलिए क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे इसलिए वन और टू एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे वन और टू एंगल इक्वल हो जाएंगे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे तो एंगल एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे जिससे ए बी टू पी क्यू की रेशो ए डी टू पी एम की रेशो के इक्वल आ जाएगी सो so, हमारे पास एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के और अगर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे बिकॉज ए डी एंड पी एम आर एंगल बाई सेक्टर्स इसलिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइ एंगल पी क्यू एम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू देअर फोर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल सिमिलर होने से साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे यानी ए बी टू पी क्यू की रेशियो एडी टू पीएम के इक्वल आ जाएगी ये हो गया वन साइड्स की रेशो इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्योंकि बी टू पी क्यू की रेशियो इसके भी इक्वल है सो so सभी साइड्स की रेशियो एंगल बायसेक्टर्स की रेशियो के इक्वल हो जाएगी अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके ये देखेंगे कि इस रिजल्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू पी क्यू आर इफ ए एम एंड पी एन आर एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड ए बी स्क्र इज टू पी क्यू स्क्वायेर इज सिक्सटीन इज टू ट्वेंटी फाइव देन वॉट इज द रेशो ऑफ ए एम टू पी एन अब ट्राइंगल सिमिलर मिले हैं और ये वन मार्क क्वेश्चन है वो भी ऑप्शन के साथ तो हमें ज्यादा समय नहीं लगाना है हम जानते हैं कि साइड्स की रेशो एंगल बायसेक्टर्स की रेशो के इक्वल होती है अब यहाँ पर हमें ए बी स्क्वायर टू पी क्यू स्क्वायर मिला है सिक्सटीन इंस टू ट्वेंटी फाइव यानी कि फोर स्क्वायर टू फाइव स्क्वायर ए बी टू पी क्यू की रेशो हो गई फोर इंस टू फाइव यही रेशो होगी ए एम टू पी एन तो ये रेशो भी फोर इंस टू फाइव ही होगी सो ए ऑप्शन राइट आएगा सो इस तरह से इस रिजल्ट को फॉर्मूले की तरह भी यूज किया जा सकता है अगर वन मार्क में आए तो अगर वन मार्क में नहीं आता तो पहले रिजल्ट प्रूव करना होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा